विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज ने बुधवार को सेक्टर 7 स्थित ग्लोब चौक से रैली निकाली, जिसमें आदिवासी समाज के प्रमुख व लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली के दौरान समाज की युवतियों ने सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुतियां भी दी। सेंट्रल एवेन्यू पर रास्ते में समाज के लोगों ने स्वल्पाहार के लिए स्टॉल भी लगाए थे। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। ये आक्रोश रैली निकाले हैं आज हम 9 अगस्त के दिन मणिपुर पर जो अत्याचार हो रही है उसके संबंध में निकाले हैं ये रैली। ये आक्रोश सिर्फ भिलाई बस में नहीं है, पूरे भारत में है, तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस का ये में हम लोग आक्रोश रैली है हमारी, जो हमारे साथ देश में जो हो रहा है घटना, इसमें सरकार मणिपुर में जो घटना जो महिलाओं पर हो रही है खासतौर पर, तो हम इस आक्रोश रहना तो अच्छा से था, लेकिन आक्रोश रैली के रूप में हम महिलाओं को हक अधिकार का जो बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग हक अधिकार दिए हैं, तो उनपे हम लोग ये सब रैली के रूप में हम आक्रोश रैली निकालेंगे। लहरी आज संपूर्ण विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये इसका मूल कारण था कि दुनिया में जितने भी आदिवासी हैं वो मूल निवासी हैं, शुरू से ही यहाँ पर रहते आए हैं। उन लोगों के समय के साथ साथ उन लोगों पर अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया और 9 अगस्त को संपूर्ण विश्व में जहाँ भी आदिवासी समाज है उसके संरक्षण के लिए आवाज़ उठाना जाना चाहिए। मणिपुर की घटना के लिए बहुत शर्मिंदगी है, जहाँ एक मणिपुर राज्य एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, 6वीं अनुसूची वहाँ पर लागू है, लेकिन केंद्र सरकार और वहाँ की जो राज्य सरकार है वो आदिवासियों के साथ में जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको रोक पाने में असफल है और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं।